गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों पिछली कक्षा में हम लोग ने अंक की मात्रा को कंप्लीट किया था, ओके? तो आज हम आह की मात्रा को सीखेंगे। कौन सी मात्रा? आह की मात्रा, विसर्ग, ओके? आह की मात्रा। तो बच्चों देखिए, आज हम आह की मात्रा कुछ वर्णों पर लगाकर लिखेंगे। इसका ज्यादातर प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है, ओके? तो आइए हम देखते हैं कुछ अक्षर पर आह की मात्रा लगाकर हम कैसे इसका उच्चारण करेंगे, कैसे बोलेंगे, ओके? यस, दो बिंदी, मह, मह, ओके, प, दो बिंदी, प, ओके। तो इस तरह से हम जब किसी अक्षर पर आह की मात्रा लगाते हैं तो लास्ट में उसका उच्चारण आह हो जाता है, ओके? तो आइए देखते हैं हम शब्दों में कैसे आह की मात्रा को लगाकर करेंगे, ओके? और कैसे उसका उच्चारण बोलेंगे, ओके बच्चों? तो देखिए ये आह के शब्द है, ठीक है? अब आह के शब्द में कैसे आह की मात्रा लगाते हैं और उसका उच्चारण कैसे करते हैं? प्राप्त, ओके? तो प्राप्त, प्राप्त, प्राप्त किसका होता है बच्चों? प्राप्त में सुबह, प्रातः, प्रातः में सुबह, ओके। न, म, म पर मैंने आह की मात्रा लगा दिया, क्या होगा? नमः, नमः में नमस्कार, नमस्ते कर, नमः, अह, ओके। छ, छ पर मैंने आह की मात्रा लगा दिया, क्या हो गया? छह, ओके, यस। दो, ख, तो यहाँ पर भू के बगल में मैंने मात्रा लगा दी, दुख, दुख, ओके, यस। पूर्ण, ना के बगल में मैंने आह की मात्रा लगा दी, ओके। पुनः, दोबारा, पुनः मीन्स दोबारा। शनै, ना के बगल में मैंने दो बिंदी लगा दी, शनै, शनै, धीरे, शनै मीन्स धीरे। प्रायः, ओके? फल, तब, गलत है।
लिखेंगे और याद करेंगे।